in the preparation of aldehyde and ketones, we are now going to take up some more preparation methods. और उसमें सबसे पहला आज हम ले रहे हैं, it is the hydroboration oxidation. Heading दीजिएगा hydroboration oxidation. Of alkynes, hydroboration oxidation of alkynes. Hydroboration oxidation जो होता है उसमें दो स्टेप होती है, ये तो सबको पता है कि वन इज हाइड्रोबोरेशन एंड अनदर वन इज द ऑक्सीडेशन. और ये जो दो स्टेप्स हैं, इन दो स्टेप के अंदर आप अक्रॉस अल्कीन में भी होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अल्कीन के अंदर भी होता है, राइट. बट हम अल्कीन नहीं ले रहे हैं, मैंने यहां पर अल्काइन्स लिखा है, क्योंकि अल्कीन की अगर हम बात करें तो अल्कीन के अंदर जिस समय आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन परफॉर्म करते हैं तो यू गेट द अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है. यहां पर हम लोग ले रहे हैं, प्रिपरेशन में बात कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. तो प्रिपरेशन की जब आप बात कर रहे हो एल्डिहाइड कीटोन की, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं ऐसी कोई रिएक्शन नहीं लूंगा जिससे अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, राइट. हमारे को अल्काइन के अंदर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन परफॉर्म करना, राइट. इसमें अगर हम बेसिकली बात करें, अल्कीन और अल्काइन अगर दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे, तो इसमें एक बात तो तय है कि जैसा अल्कीन के अंदर, जैसा हम अल्कीन की बात करें, अल्कीन के अंदर जब आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन परफॉर्म करते हो तो उसमें एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन होता है ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के अक्रॉस अल्कीन में एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन होता है ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, राइट. यहां पर भी ऐसा ही होता है. अल्काइन की अगर हम बात करें तो अल्काइन्स के अंदर भी एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन होता है ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस ट्रिपल बॉन्ड, बट विद अ डिफरेंस. वो दो डिफरेंस है. पहली बात यह है कि अल्कीन के अंदर जो आप हाइड्रोबोरेशन, मैं अल्कीन को लेकर बच्चों बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, ये तो मैं जस्ट एक कंपैरिजन कर रहा हूं अल्कीन और अल्काइन का, जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है उसको. अल्कीन में जो आप हाइड्रोबोरेशन परफॉर्म करते हो तो वो जो हाइड्रोबोरेशन होता है वो BH3 की प्रेजेंस में होता है, BH3, राइट, या B2H6 डाइबोरेन जिसे आप बोलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ THF, ये हाइड्रोबोरेशन होता है पहली स्टेप के अंदर, राइट. और उसके बाद ये जो BH3 होता है, BH3 अटैक करता है अक्रॉस डबल बॉन्ड. अल्कीन की अगर मैं बात करूं तो अल्कीन की अगर हम बात करें तो BH3 का अटैक होता है उस कार्बन के ऊपर जो सबसे लीस्ट हिंडर्ड होता है, जो सबसे लीस्ट हिंडर्ड होगा अक्रॉस डबल बॉन्ड. BH3 का मॉलिक्यूल अटैक करता है और BH3 का मॉलिक्यूल अटैक करता है और अपना H ट्रांसफर करता है, राइट. एच जो है वो नेगेटिव फॉर्म में, मतलब किसी कार्बन पर, वो दूसरे कार्बन पर जाता है, राइट. अल्काइल बोरेन बनता है और उसके बाद आप ऑक्सीडेशन परफॉर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड NaOH. अल्कीन में अगर हम देखें तो अल्कीन के अंदर जो हाइड्रोबोरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो वो BH3 को लेकर कर रहे हो. यहां पर जो हाइड्रोबोरेशन वाली स्टेप है वो हिंडर्ड बोरेन लेकर करवाया जाता है, वो हिंडर्ड बोरेन लेकर करवाते हो. अल्काइन में अगर आपको हाइड्रोबोरेशन परफॉर्म करना होता है तो अल्काइन में जब आप हाइड्रोबोरेशन परफॉर्म करते हो तो उसके लिए आप डेसीमाइल बोरेन लिया जाता है, DISI डेसीमाइल बोरेन लेकर हम हाइड्रोबोरेशन अल्काइन्स में परफॉर्म करते हैं.
व्हाट इज दिस डेसिमाइल? डेसिमाइल का मतलब यह हुआ, ये जो डेसिमाइल है इसका मतलब है इट इज डाई सेकेंडरी आइसोअमाइल, आइसो अमाइल और फिर वो बोरे अमाइल। अमाइल मतलब ये एक नाम, पुराना नाम है अमाइल, उसमें जब पांच कार्बन होते हैं, ये जो फाइव कार्बन होंगे उसे अमाइल बोला जाता है। तो डाई सेकेंडरी आइसोअमाइल बोरेन, तो इसका क्या फार्मूला बनेगा अगर मैं पूरा इसका ओपन अप करूं, डेसिमाइल बोरेन को अगर मैं ओपन अप करूं, राइट, तो ये हो जाएगा बी। हाँ, ये भी मैं बता दूं आपको कि जैसे ये वाला ग्रुप है, पहले मैं इस ग्रुप के बारे में बता दूं, ये जो है डाई, डाई मतलब टू, और ये सेकेंडरी आइसोमाइल, जो सेकेंडरी आइसोमाइल वाला ग्रुप है हमारा, ये डाई को आप इसको इंक्लूड मत करिए, ये अगर यहां से आप लेंगे, राइट, सेकेंडरी आइसोमाइल की अगर हम बात करें तो ये ग्रुप आपका सेकेंडरी आइसोमाइल होगा, सी एच थ्री सी एच एंड हियर इट इज अ सी एच थ्री, देन अ सी एच एंड हियर इट इज अ सी एच थ्री, राइट, एंड दिस, राइट, सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री, और ये वैलेंसी फ्री है, कार्बन की ये वैलेंसी फ्री है, क्योंकि ये वैलेंसी जो है वो बोरॉन के साथ जाकर लगेगी। ये है हमारा, ये है हमारा सेकेंडरी आइसोअमाइल, ये इतना इतना पार्ट, ये सेकेंडरी आइसोअमाइल ग्रुप है, राइट। अब ये बोरॉन के साथ लगेगा, वो बोरेन, और इसके दो ग्रुप लगेंगे, डाई, आगे डाई लगा हुआ है, डाई फिर सेकेंडरी आइसोमाइल, ये है आपका सेकेंडरी आइसोमाइल। मैंने अभी भी कहा था अमाइल मतलब पांच कार्बन, राइट, आप चेक करिएगा यहां पर पांच कार्बन रखे हमने, राइट, मतलब अगर मैं बात करूं इस पूरे ग्रुप को, डेसिमाइल बोरेन की बात करूं, तो डेसिमाइल बोरेन का जो स्ट्रक्चर आएगा, इट इज बी, बी के साथ में एच लगा हुआ, और यहां पर आपका लगा हुआ है इट इज वही वाला ग्रुप सी एच, सी एच के साथ में सी एच थ्री, राइट, फिर यहां पर सी एच, सी एच के साथ में सी एच थ्री, राइट, एंड हियर इट इज योर सी एच थ्री, राइट। उसी तरीके से यही ग्रुप यहां पर लगा हुआ है, ये सी एच हो गया आपका सी एच, उसके साथ में सी एच थ्री, राइट, देन अगेन हियर इट इज अ सी एच, सी एच के साथ में सी एच थ्री, एंड हियर इट इज सी एच थ्री, चेक कर लीजिएगा। ये है आपका पूरा, मतलब ये स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको डेसिमाइल बोरेन का, ये हिंडर्ड लिया जाता है। हिंडर्ड लेने की क्या वजह है? हिंडर्ड लेने की इसकी वजह यह है कि यहां पर आप फर्दर एडिशन रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि जब आप एक हाइड्रेशन, जब आप एक हाइड्रोबोरेशन परफॉर्म करेंगे, तो जब आप एक हाइड्रोबोरेशन परफॉर्म करोगे तो वो अल्कीन टाइप का सिस्टम बनाएगा, अल्कीन टाइप का सिस्टम बनाएगा, तो अल्कीन टाइप का सिस्टम बनेगा, और फर्दर हाइड्रोबोरेशन को रोकने के लिए आपने बहुत ज्यादा उसको हिंडर्ड कर दिया। अब देखिएगा कैसे होता है, वो आपको सब समझ में आ जाएगा, राइट। पहले तो ये स्ट्रक्चर आपने बना लिया होगा, अब बात आगे बढ़ी, मान लो कि हमारे पास जो अल्काइन है, लेट इट बी आर एंड इट इज अ सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, राइट। अब आपने डेसिमाइल बोरेन का इस्तेमाल किया, इट मींस आप बोलेंगे इसको सिया होल ट्वाइस बी एच, इसको शॉर्ट में इस तरीके से आप कहते हैं, राइट। अब यहां पर वही सॉल्वेंट टीएचएफ लेकर आपने रिएक्शन को परफॉर्म करी, तो यहां पर क्या होगा, अब ये इतना बल्की है, अभी अभी आपने देखा कि ये इतना बड़ा बल्की है, राइट, ये वाला जो बोरेन है ये बहुत ज्यादा बल्की है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मैं आपसे बोलूं कि वो इस कार्बन पर अटैक करना पसंद करेगा या इस कार्बन के ऊपर अटैक करना पसंद करेगा, तो आई थिंक सभी बच्चे बोलेंगे कि सर इस कार्बन के ऊपर आप ये बोरेन का अटैक करवाओ, मतलब बोरॉन के थ्रू अटैक होगा, और बोरॉन के थ्रू जब अटैक होगा तो अल्टीमेटली हमारे को मिलेगा इट इज आर सी एंड हियर इट इज एच डबल बॉन्ड सी एंड इट इज एच, इसके साथ में यहां पर बोरॉन लगा हुआ है और बोरॉन के साथ में ऐसा ही है होल ट्वाइस सेकेंडरी आइसोअमाइल, सेकेंडरी आइसोअमाइल ऐसा ही है,
राइट, उसके बाद ये आपने बना लिया, और अब बोरॉन के पास अब कोई और हाइड्रोजन बचा हुआ नहीं है, और बोरॉन के पास आप कोई हाइड्रोजन नहीं बचा हुआ है, इसीलिए फर्दर एडिशन पॉसिबल नहीं, फर्दर एडिशन पॉसिबल नहीं। ये आपकी हाइड्रोबोरेशन वाली स्टेप कंप्लीट हो गई। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द हाइड्रोबोरेशन स्टेप, राइट। और जब ये हाइड्रोबोरेशन कंप्लीट हुआ, अब उसके बाद आप जो है ऑक्सीडेशन परफॉर्म करते हैं, और जब आप ऑक्सीडेशन परफॉर्म करेंगे, वो ऑक्सीडेशन अगेन इट इज H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव परफॉर्म किया जाता है। H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आप परफॉर्म करते हैं, तो जिस समय आप H2O2 लेकर, राइट, OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, इसको लेकर कल भी चर्चा हुई है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो कल भी हमने इसको लेकर चर्चा करी थी, राइट। तो ये जो H2O2 और OH नेगेटिव लेकर, राइट, जब आप ऑक्सीडेशन परफॉर्म करेंगे, तो अगेन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, उसकी डिटेल में मैं बच्चों बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूं, राइट, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। यहां डायरेक्ट मैं ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर रहा हूं, जिसका मतलब अल्टीमेटली ये हो जाएगा, इट इज आर सी एंड इट इज एच एंड इट इज डबल बॉन्ड एंड हियर इट इज सी एंड इट इज एच एंड इट इज ओ एंड इट इज एच, राइट। और ये जो बन रहा है, सारे बच्चे समझ रहे होंगे कि ये एक्चुअली आपने इनोल बनाया, दिस इज योर इनोल। मतलब पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि ये जो एडिशन आपने परफॉर्म किया है, अब इस अल्काइन पर जरा निगाह डालो, यहां पर अल्काइन पर देखें सारे बच्चे, और ये अल्काइन से फिर निगाह इनोल पर ले जाओ आप, तो अगर आप देखोगे तो जो ओवरऑल एडिशन हुआ है, वो पानी का एडिशन करवाया आपने अक्रॉस दिस ट्रिपल बॉन्ड इन एंटी मार्कोनिक ऑफ फैशन, इन एज पर द एंटी मार्कोनिक ऑफ ओरिएंटेशन, राइट। कैसे एंटी मार्कोनिक ऑफ ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है हमारा, वो हाइड्रोजन वहां पर जाएगा एंटी मार्कोनिक ऑफ के हिसाब से, जो हमारा हाइड्रोजन है वो वहां पर जाएगा जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन होंगे, इस कार्बन पर हाइड्रोजन एक भी नहीं है, आर ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, बराबर, तो हाइड्रोजन यहां पर आएगा, बचा हुआ OH वो OH पार्ला पार्ट वहां पर चला जाएगा, राइट। और फिर उसके बाद आप टॉटोमराइजेशन परफॉर्म करते हैं, टॉटोमराइजेशन जब आप परफॉर्म करेंगे तो ये वाला बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, और जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर लग जाएगा, इट मींस ये हो जाएगा इट इज आर सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एंड इट इज डबल बॉन्ड ओ एंड हियर इट इज योर एच, राइट। ये आपका एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा, क्योंकि ये हमारा टर्मिनल अल्काइन है, बिकॉज इट इज आर टर्मिनल अल्काइन, इसीलिए आपको एल्डिहाइड मिल रहा है, राइट। अगर मान लीजिए कि हमारा कोई नॉन टर्मिनल अल्काइन है, अगर नॉन टर्मिनल अल्काइन होगा तो ऑब्वियसली बात है बच्चों, उस सिचुएशन के अंदर यू विल गेट द कीटोन। एक काम करो, ये एच हटा दो, यहां पर कोई आर डैश लगा दो, तो आर डैश लगा दोगे, राइट, तो ऑब्वियसली बात है बच्चों, उस सिचुएशन के अंदर जो है आपको कीटोन मिल जाएगा, राइट। ये हुआ अल्काइन के अंदर हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन। खास मुझे बताना था कि कोई भी आप जब बोरेन लेंगे अल्काइन के अंदर, दो बातें बस इंपॉर्टेंट है जो जुदा होती है अल्कीन्स के मुकाबले। अल्कीन की अगर हम बात करें तो अल्कीन में जो हाइड्रोबोरेशन स्टेप आप परफॉर्म करते हो, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ BH3 लेकर आप वो एडिशन परफॉर्म करते हैं। यहां पर कोई हिंडर्ड लेते हो, हिंडर्ड बोरेन, जैसे मैंने आपके सामने लिया डिसिमाइल बोरेन, पहली बात। दूसरी बात, अल्कीन के अंदर अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, यहां पर इनोल का फॉर्मेशन होता है, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहां पर जो इनोल है वो इनोल किसी तरीके से स्टेबलाइज नहीं करेगा, राइट, वो टॉटोमराइज कर जाएगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड और द कीटोन, राइट। तो ये बच्चों आपकी एक और प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई फॉर एल्डिहाइड एंड द कीटोन। नेक्स्ट पर आ रहे हैं, नेक्स्ट लिखिएगा, अगेन ऐसी हम विधि ले रहे हैं जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, राइट, नोट करिएगा, इट इज द रीमर टीमन रिएक्शन, द नेक्स्ट वन, इट इज द रीमर टीमन रिएक्शन, राइट। जल्दी से सिर्फ शॉर्ट में लिख लीजिएगा, एकदम शॉर्ट में निपटाएंगे अपन इसको, राइट, नोट करिएगा इसमें, रीमर टीमन रिएक्शन, और इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फॉर फिनोलिक एल्डिहाइड्स ओनली, फॉर
फिनोलिक एल्डिहाइड ओनली, ब्रैकेट में नोट कर लेना, फॉर फिनोलिक एल्डिहाइड ओनली लिखिएगा इसमें, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस, क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस NaOH और KOH, एक्वस NaOH ऑब्लिक लाइन लगाएंगे KOH, एन एल्डिहाइड ग्रुप, एन एल्डिहाइड ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड, एन एल्डिहाइड ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड इन द एरोमेटिक रिंग, इन द एरोमेटिक रिंग, इन द एरोमेटिक रिंग कॉमा जनरली एट द ऑर्थो पोजिशन, जनरली एट द ऑर्थो पोजिशन, राइट फुल स्टॉप। अब रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा, रिएक्शन सिर्फ हम रिएक्शन बता रहे हैं, राइट उसको जल्दी से नोट करिएगा। सबसे पहले जो फिनॉल है, अब जैसे आपने फिनॉल लिया, वहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है फॉर फिनोलिक एल्डिहाइड्स, ये फिनॉल लिया, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि NaOH आपने ले रखा है, राइट तो NaOH के अंदर ये फिनॉक्साइड आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और जब आप क्लोरोफॉर्म लगाते हैं CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, इट जनरेट्स इलेक्ट्रोफाइल, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है दैट इज योर डाइक्लोरोकार्बिन, और ये डाइक्लोरोकार्बिन प्रिफरेबली ऑर्थो पोजिशन के ऊपर अटैक करता है, ये जो डाइक्लोरोकार्बिन जो कि अपने आप में एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, राइट ये प्रिफरेबली ऑर्थो पोजिशन के ऊपर अटैक करता है, रिजल्टिंग इन टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस, इट इज ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, राइट एंड हियर इट इज CHCl2 का फॉर्मेशन होता है, राइट जो कि फर्दर हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलाइज्ड टू, ये हमारा एरोमेटिक रिंग, एंड हियर इट इज ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव एंड अल्टीमेटली इट इज CH डबल बॉन्ड ओ, राइट बेसिक मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो रहा है, राइट यहां पर लिख लीजिएगा अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस हुआ, और उसके बाद फाइनली मीडियम को आप एसिडिफाई करते हैं, और फाइनली जब मीडियम को एसिडिफाई करेंगे, राइट तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ OH एंड इट इज सी डबल बॉन्ड ओ एंड इट इज H, राइट ये आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन चुका है, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, राइट ये बच्चों एक और प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई, नो नीड ऑफ फर्दर डिस्कशन, राइट सिर्फ एक हल्का सा हम उसको ब्रीफिंग कर रहे हैं, राइट कंसेप्ट क्लियर होगा, कहां से डाइक्लोरोकार्बिन आया वो समझ में आ गया होगा, डाइक्लोरोकार्बिन ने अटैक किया ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, राइट यहां से ये इंटरमीडिएट बना CHCl2, अल्कलाइन मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस हुआ, यहां पर फॉर्माइल ग्रुप आ जाएगा, दिस इज फॉर्माइल ग्रुप CH डबल बॉन्ड हो, राइट फॉर्माइल ग्रुप आया, और अल्टीमेटली मीडियम को आप एसिडिफाई करते हैं, राइट इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है, राइट ये एक और आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट प्रिपरेशन पर आइएगा, इट इज द ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, राइट इस पर थोड़ा सा मैं डिटेल पर जाऊंगा, राइट थोड़ा सा हम इसकी डिटेल पर जाएंगे, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन मतलब अल्कीन को लेकर, सॉरी ओजोन को लेकर आप अल्कीन का ऑक्सीडेशन परफॉर्म करते, सारे बच्चे नोट करना कि ओजोन इटसेल्फ इज अ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल, नोट करेंगे वहां पर ओजोन
O3 ओजोन का फार्मूला होता है, इट इज O3 ओजोनोलाइसिस, हेडिंग दिया होगा आपने, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्किन। जो O3 होता है ये अपने आप में एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आता है, इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। राइट, और इसके स्ट्रक्चर पर अगर हम निगाह डाले तो वो हमारे को पता चलता है कि उसका क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से ये क्यों ऐसा काम कर रहा है। ओजोन की अगर हम बात करें तो इट इज दिस, इट इज ओ एंड इट इज डबल बॉन्ड ओ, एंड हियर इट इज सिंगल बॉन्ड ओ, एंड दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज विद ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज अ न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम हैविंग टू पेयर्स, एंड दिस इज हैविंग थ्री लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज ऑन इट। राइट, चेक करिएगा, जो ऑक्टेट है वो डेफिनेटली सबका क्लियर है। राइट, और यहां ये रेजोनेंस में माना जाता है, ये रेजोनेंस इस तरीके से आप शो करेंगे, इट इज ओ एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इट इज नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड ओ, एंड हियर इट इज डबल बॉन्ड ओ 1, 2 एंड इट इज पॉजिटिव चार्ज, सॉरी यहां पॉजिटिव चार्ज आप लगाएंगे विद ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चेक करिएगा, जो हमने किया है ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड यहां पर चला गया, जो सेंट्रल ऑक्सीजन है, जो आपका सेंट्रल ऑक्सीजन है, वो सेंट्रल ऑक्सीजन आपका पॉजिटिव चार्ज ही बना रहा, ये हमारा ओजोन। अब ये जो ओजोन है, क्योंकि ये पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल है, वायलेंट रिएक्शन होती है, वायलेंट रिएक्शन अकर्स। राइट, काफी लो टेम्परेचर के ऊपर आप रिएक्शन परफॉर्म करते हो। राइट, किसी वीकली पोलर सॉल्वेंट के अंदर, वीकली पोलर सॉल्वेंट लेकर आप रिएक्शन को परफॉर्म करते हो। मान लीजिए कि हमारे पास ये अल्कीन है, अब आगे बढ़ रही है बात, ये हमारा अल्कीन है। अब ये जो अल्कीन है, इस अल्कीन के ऊपर जब ओजोन का मॉलिक्यूल अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा वो सारे बच्चे देखेंगे, जो ओजोन का मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से अटैक करेगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ इनिशियल ये ओ, एंड हियर इट इज ओ, एंड हियर इट इज डबल बॉन्ड, इट इज ओ, दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज। क्या होता है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, राइट, वो यहां पर अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। बिल्कुल आराम से तसल्ली के साथ समझना कि मैं क्या कर रहा हूं, ये जो O नेगेटिव है, इस O नेगेटिव ने इस कार्बन पर अटैक किया होगा। राइट, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा। राइट, ये जो O नेगेटिव है, जब ये O नेगेटिव थ्रू नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि कार्बन कांट एक्सपांड इट्स ऑक्टेट, कार्बन किसी भी हालत में अपने ऑक्टेट को एक्सपांड नहीं कर सकता। राइट, इसीलिए ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो हर हालत में यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, और जब ये वाला पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा तो अगेन ये समस्या ऑक्सीजन के साथ आ जाएगी, क्योंकि ये वाला जो ऑक्सीजन है वो अपने आप में न्यूट्रल है, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये न्यूट्रल है। राइट, तो अब इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, इट डज नॉट हैव ऑक्सीजन, डज नॉट हैव एनी ऑफ द वेकेंट ऑर्बिटल, इसीलिए जब ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, राइट, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। राइट, पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था तो वो ले लेगा। राइट, जिसकी वजह से न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। इट मींस ये बना हमारा सबसे पहली स्टेप के अंदर, ये आपने बनाया है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां ये दो वैलेंसी, यहां ये दो वैलेंसी, हियर इट इज ओ एंड हियर इट इज ओ, देन हियर इट इज ओ एंड हियर इट इज दिस। राइट, जिसको आप कहते हैं इनिशियल ओजोनाइड, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, इट इज इनिशियल ओजोनॉइड। और मोनोजोनाइड, इसको मोलोजोनाइड भी कहा जाता है, मोलोजोनॉइड। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इट इज
1, 2, 3, 1, 2, 3, ट्राई ऑक्सो लेन, 1, 2, 3, ट्राई ऑक्सो लेन, चेक कर लीजिएगा। राइट, अब जो है ये जो आपने इनिशियल ओजोनाइड बनाया है, राइट, मैं दिख रहा होगा कि नहीं, हाँ यहां तक मैं फिंगर आ रही है, मतलब नजर आ रहा है, राइट, ये इनिशियल ओजोनाइड, ये मोलोजोनाइड, राइट, और 1, 2, 3 ट्राई ऑक्सोलेन। अब इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन होगा, वो फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा, राइट, वो जरा समझिएगा किस तरीके से आप करवाएंगे। ये वाला जो बॉन्ड है, देखिएगा ये वाला जो बॉन्ड है, अगर मैं यहां पर घुमाता हूं तो जिस समय मैं ये वाला बॉन्ड यहां पर घुमाऊंगा तो ये वाला जो ऑक्सीजन है वो डिस्टर्ब होने लगेगा, और ये वाला ऑक्सीजन जब डिस्टर्ब होने लगेगा तो ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर घुमाया हमने, जब ये वाला बॉन्ड यहां पर घुमाऊंगा तो ये ऑक्सीजन डिस्टर्ब होगा, कार्बन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कार्बन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट, कार्बन के साथ तो ये बॉन्ड लगा हुआ है और ये बॉन्ड अभी भी कार्बन के साथ ही रहेगा, राइट, तो जब ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, राइट, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहां पर चला जाएगा। अच्छा, यहां पर एक और बात आ रही है, जब ये वाला बॉन्ड आपने यहां शिफ्ट करवाया, राइट, तो ये कार्बन के ऊपर, ये जो कार्बन है इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लगा, ये जो कार्बन है इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑब्वियस सी बात है, आपने ये बॉन्ड था, आपने ऐसे कैसे इस बॉन्ड को ऐसे घुमाया, तो जब आप इस बॉन्ड को ऐसे घुमा रहे हो तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना ही आना है, तो यहां जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, राइट, उसको रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देगा, इट मींस ये फ्रेगमेंटेशन हो चुका है, मतलब अगर हम इसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, कार्बन यहां ये सिंगल बॉन्ड, राइट, ये दो वैलेंसी कार्बन की, राइट, और ये डबल बॉन्ड, अब इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड ओ हो चुका है, ये डबल बॉन्ड ओ प्लस ये वाला कार्बन पर आइएगा, ये कार्बन इसके साथ में ये दो वैलेंसी फ्री है, यहां पर डबल बॉन्ड ओ एंड हियर इट इज ओ नेगेटिव चार्ज, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इट इज 1, 2 एंड इट इज पॉजिटिव चार्ज, राइट, क्यों, क्योंकि ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन इसका लोन पेयर यहां पर गया, तो जब इसका लोन पेयर यहां पर जाएगा तो अब एक ही लोन पेयर बचेगा इसके पास, राइट, ये एक लोन पेयर, बट ये वाला ऑक्सीजन जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के द्वारा कंट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, राइट, दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ द इनिशियल ओजोनाइड, जो इनिशियल ओजोनाइड आपने बनाया था उसका आपने फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिएगा, यहां पर मैंने इसीलिए मैंने इस बॉन्ड को यहां घुमा दिया था, यहां पर ऐसे शो किया था, अब यहां पर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां पर आएगा, इतने साफ डायग्राम से बच्चों कि अगर आप सिर्फ एरो की तरफ देखोगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है कि वो क्या हो रहा है, ये ओ नेगेटिव, अब ये ओ नेगेटिव यहां कार्बन की तरफ जाएगा, राइट, और ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, भाई जब ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन तो ऑलरेडी टेट्रावेलेंट है, इट कांट एक्सपांड इट्स ऑक्टेट, तो जब ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा, राइट, तो हर हालत में ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, जब ये वाला पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा तो ये कार्बन एक्सपांड नहीं कर पाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, राइट, ध्यान रखना ये नेगेटिव चार्ज था, राइट, इसका मतलब जो एरो वहां बनाए गए हैं अगर उसको फॉलो किया जाए, अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये कार्बन दिस एंड इट इज दिस, यहां पर ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ यहां पर कार्बन, दिस दिस एंड हियर इट इज ओ एंड हियर इट इज ओ एंड हियर इट इज दिस, राइट, ये आपका बन चुका है इट इज ओजोनाइड, ये बनाया था आपने, ये बना था आपका इनिशियल ओजोनाइड, और जो मैंने बाद में बनाया है That is your बच्चों एक करेक्शन करिएगा, इसमें जो स्पेलिंग है वो NID है, ओजोनाइड होता है NID, एक मिनट में जरा डस्ट कर देख रहा हूं,
छोटा सा करेक्शन करें, ओजोनॉइड नहीं, वो मेरे को लग भी रहा था कि मैं कुछ ऑड बोल रहा हूं, राइट, ये ओजोनाइड एन आई डी ई, और यहां पर भी ये ओजोनाइड एन आई डी ई, राइट। अब यहां पर ये बनाया, इसको बोलेंगे इट इज ओजोनाइड, ओजोनाइड ये बन चुका है, राइट। अब इसमें रीअरेंजमेंट होगा, बट अब यहां तक ओजोन ने अपना काम किया, यहां तक ओजोन लगा हुआ है, राइट, यहां तक ओजोन है। अच्छा, ये जो ओजोनाइड बना है, इतना पार्ट में मिटा रहा हूं, अभी रब कर रहा हूं, ये जो ओजोन आपने बनाया है, ओजोनाइड बनाया आपने, इस ओजोनाइड को 1,2,4-trioxolane भी कहा जाता है, ट्राइऑक्सोलेन, यहां 1,2,3 था, ये 1,2,4 है, ट्राइऑक्सोलेन, राइट। ऑक्सीजन की अगर पोजीशन चेक करोगे तो 1,2,4 पोजीशन पर आएगा, राइट। अब यहां पर ये जो है, अब इसमें रीअरेंजमेंट हुआ, और ये जो रीअरेंजमेंट होता है, राइट, दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H2O, मतलब अगर आप सिर्फ H2O लेंगे, सिर्फ अगर आप H2O लेंगे, राइट, वो खैर मैं बता रहा हूं अभी, ये जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2O लिया, दिस इज कॉल्ड एज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस की कैटेगरी में आएगा, इट मींस ये बन जाएगा हमारा, यू विल गेट, इट इज 2 moles ऑफ सी, दिस दिस एंड इट इज डबल बॉन्ड ओ प्लस जिंक हाइड्रोक्साइड, जेड एन ओ एच होल ट्वाइस निकल जाए, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस परफॉर्म किया है, दैट इज परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, राइट। नोट करिएगा जिंक का क्या फंक्शन है, जिंक का क्या फंक्शन है वो जरा नोट कर लीजिएगा एक लाइन में,